कहानी शुरू होती है कार्लो और उसके पिता जेपेटो से। जेपेटो एक बहुत अच्छा कलाकार होता है जो लकड़ियों से कलाकारी करता है। इस परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। हर रात कार्लो को सोने से पहले उसके पिता नई नई कहानियां सुनाया करते थे। उसके पिता जेपेटो उसकी माँ का गाना सुनाकर उसे सुलाया करते हैं। जेपेटो कार्लो की खुशी के लिए कुछ भी करता है, उसके लिए लकड़ी का जूता भी बनाता है। जब एक बूढ़े पिता का एकमात्र सहारा हो तो पिता उसके लिए कुछ भी करता है, इसलिए कार्लो को हमेशा अपने साथ रखता है और उसे अच्छी अच्छी बातें और नई नई चीजों को हमेशा सिखाया करता है। एक रात चर्च में कार्लो और उसके पिता काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक डरावनी आवाज सुनाई देती है। जेपेटो को खतरे का अभाव होते ही दोनों अपने घर जाने लगते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही जेपेटो देखता है मौसम बहुत खराब है और कुछ जहाज अपने देश लौट रहा है और सैनिक अपने जहाज का बोझ हल्का करने के लिए वह नीचे बम गिराता है। अफसोस, इधर कार्लो अपना छूटा हुआ सामान लेने चर्च के अंदर फिर से जाता है, तभी उसी के ऊपर बम गिर जाता है। जेपेटो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बहुत देर हो जाती है और उसे हमेशा के लिए खो देता है। जेपेटो को विश्वास ही नहीं होता कि कार्लो अब मर चुका है। कुछ दिन बाद उसके कब्र के पास जाकर जेपेटो हमेशा रोता रहता है। एक बूढ़े पिता को अपना बेटा खोना मौत से भी ज्यादा भयानक दर्द देता है। साल गुजरता गया, दुनिया आगे बढ़ गई, पर जेपेटो अपने बेटे के कब्र को छोड़कर नहीं जाता है। सेबेस्टियन नाम का एक झिंगुर जो खुद को लेखक कहता है और उसे कहानी लिखने के लिए कब्र के पास एक पेड़ में अपनी पनाह डालता है, तभी जेपेटो को रोता हुआ देखकर अफसोस करता है। फिर देखता है रूह की देवी पास के जंगल में घूम रही है। इधर जेपेटो गुस्से में उस पेड़ को काटता है और एक सुंदर लकड़ी से काठ का बालक बनाता है। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे कार्लो समझता है, फिर सोने चला जाता है और झिंगुर काठ बालक के अंदर ही रहता है। तभी अचानक रूह की देवी प्रकट होती है और उस नन्हे काठ बालक के अंदर जान डाल देती है और झिंगुर को काठ बालक का रखवाला बनाती है। जेपेटो का दुख रूह की देवी को देखा नहीं जाता, इसलिए काठ बालक को जीवित कर देती है। अगली ही सुबह उस नन्हे काठ बालक में जान आ जाती है और वह खेलने लगता है। तभी जेपेटो की नींद खुलते ही वह घबरा जाता है, उसे देखते ही डर जाता है। फिर काठ बालक बताता है, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता हो, आपने ही तो मुझे बनाया है। जेपेटो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और फिर ईश्वर को धन्यवाद कहकर उसे अपना बेटा मान लेता है। काठ बालक पूछता है अपने पिता से, मेरा नाम क्या है। उस दिन से उसका नाम पिनोक्यो हो जाता है। एक दिन अचानक पिनोक्यो जेपेटो को ढूंढते हुए चर्च में प्रार्थना करते हुए लोगों के बीच पहुंच जाता है। उसे देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं और उसे शैतान समझकर फटकारने लगते हैं। सभी को लगता है, यह बोल कैसे रहा है, यह हमारे जैसे जीवित कैसे है। फिर जेपेटो कहता है, यह तो बस एक नन्हा सा लकड़ी का काठ बालक है। तो सभी पूछने लगते हैं, यह बिना डोरी के कैसे चल सकता है। जहां पिनोक्यो को पता चलता है कि झूठ बोलने पर उसकी नाक लंबी होने लगती है। फिर किसी भी तरह उसे वहां से जेपेटो लेकर अपने घर चला आता है। पिनोक्यो खाली बॉक्स की तरह होता है, जिस तरह बोलना सीख तो हर कोई जाता है, पर कहां, कब, कैसे और क्या बोलना है यह सीखने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए जेपेटो अपने बेटे पिनोक्यो को पढ़ने के लिए भेजता है। गाँव के सभी लोग उसे देख कर चौंक जाते हैं। उसके साथ उसका ख्याल रखने वाला झिंगुर भी साथ होता है। कुछ देर बाद एक सर्कस का बंदर घर की छत से पिनोक्यो को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। बंदर को लगता है, अगर यह काठ बालक हमारे सर्कस में आकर नाच दिखाएगा तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। और फिर क्या, यह बात अपने मालिक को फौरन बताता है। यह खबर सुनते ही सर्कस का मालिक उस काठ बालक को किसी भी तरह बहला फुसला कर अपने साथ ले आता है। जेपेटो को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रात बीतने पर जेपेटो उसे ढूंढते हुए उस सर्कस के पास पहुंचता है। फिर क्या, दोनों में पिनोक्यो के लिए खूब झगड़ा होता है और इसी बीच सर्कस का मालिक न मेरा ना तुम्हारा कहकर उसे सड़क पर फेंक देता है। तभी सामने से आ रही एक गाड़ी अचानक पिनोक्यो के ऊपर चढ़ जाती है और पिनोक्यो की जान चली जाती है। पिनोक्यो को मरने के बाद उसकी आत्मा रखवाला देवी की लोक में पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि मैं कभी मर नहीं सकता और रूह की देवी रेत खत्म होते ही उसे जीवित लोक में वापस पहुंचा देती है। यह कहकर कि तीन बार से ज्यादा मृत्यु होगी तो तुम्हारी वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। तभी पिनोक्यो फिर से जिंदा हो जाता है। जेपेटो उसे घर ले जाने की बहुत कोशिश करता है पर सर्कस का मालिक पहले ही पिनोक्यो से हमेशा के लिए सर्कस में नाच दिखाने के लिए कागज पर साइन करवाया होता है। जेपेटो अब उसे अगर अपने साथ ले जाएगा तो पिनोक्यो के बदले उसे 1000 मोहरे देने होंगे, पर जेपेटो उसे किसी भी तरह अपने साथ लेकर आता है और पिनोक्यो से नाराज होकर सो जाता है। फिर पिनोक्यो अपने पिता के ऊपर लगा कर्ज को वापस करने के लिए एक चिट्ठी लिखकर उस सर्कस के मालिक के पास चला जाता है और अपने पूरे काम
इनाम के बदले आधा पैसा अपने पिता के पास भेजने के लिए सर्कस के मालिक से बात करता है, पर मालिक बेईमान होता है, उसे हाँ कहकर रुपया नहीं भेज रहा होता है और पिनोकियो को यह बात पता चलते ही सर्कस मालिक के साथ काम करने से मना कर देता है। फिर मालिक उसे एक खम्भे से बांध कर पिनोकियो को जलाने की कोशिश करता है। इधर जेपेटो पिनोकियो को ढूंढते हुए कुछ दूर निकल जाता है। समंदर के किनारे यह सब नजारा देखकर बंदर को दया आ जाती है और पिनोकियो को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है। फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। अचानक सर्कस मालिक पहाड़ से गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। किसी भी तरह जान बचाकर बंदर और पिनोकियो दोनों समंदर के बीचों बीच जाकर एक बड़ी सी मछली के मुंह में फंस जाते हैं। वहां से जेपेटो मिलता है, पिनोकियो अपने पिता से गले मिलता है और सबकी जान बचाने के लिए अपनी नाक को लंबी करके उस मछली के पेट से बाहर निकलने में मदद करता है। झिंगुर और जेपेटो की जान तो बच जाती है पर पिनोकियो की मृत्यु हो जाती है और जेपेटो समंदर में डूबने लगता है। फिर रखवाला देवी वापस पिनोकियो को भेजती है और पिनोकियो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, पर इस बार वरदान खत्म हो जाता है और पिनोकियो अब कभी जिंदा नहीं हो पाता। जेपेटो उसे गले लगाकर रोने लगता है। फिर झिंगुर और जेपेटो दोनों पिनोकियो की जान वापस लाने के लिए रूह की देवी से प्रार्थना करता है। तभी रूह की देवी वापस आती है। रूह की देवी बहुत अच्छी होती है, जेपेटो को दुखी नहीं करना चाहती थी और फिर पिनोकियो के अंदर जान डाल देती है। पिनोकियो जीवित हो जाता है और सभी एक बार फिर से खुशियों का परिवार बनकर घर वापस लौट जाते हैं। कुछ सालों बाद जेपेटो की मृत्यु हो जाती है और पिनोकियो अकेला मंजिल की खोज में अपने रास्ते निकल जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।